तीन चार रेडी वाले पीट दिए, गरुआ में सरपंच का सिर फोड़ दिया, रात के 11 बजे दारू बिके लंगोट ये घुमा रहे थे इन्हें, किसी के कुर्ते फाड़ दिए भाई। इलाज तो मैं इनका कर सकूं हूं, लेकिन चुनाव खराब हो जाएगा। जेपी दलाल है शरीफों के लिए शरीफ, तारे लिए तो सिर झुकाता हूं, लेकिन 8 तारीख के बाद इनमें से कोई एक भी पा जाए तो मैं मेरे से नाम ले जा। आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली जो 5 तारीख है उसमें सारे भाई एक होकर के अपना भाईचारा बढ़ा के रखना है। तरह तरह की बातें लेकर के आएंगे, भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सजग और सावधान रहने की जरूरत है। इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। जो ये अहंकारी जो लोग हैं, इनका अहंकार तोड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो आप छत्तीस बिरादरी के भाई कर सकते हैं। साथियों, मैं अभी अभी जब गाड़ी में बैठा था तो एक साथी वीडियो दिखा रहा था। हमारा जो इस क्षेत्र का है मंत्री, अब तो वो मारे ही वर्गा हो रहा है, जो मंत्री था और वो इतनी घमंड वाली जो बात कर रहा था, बोला भाई मैं बहुत बदमाश हूं, और बोला 8 तारीख आ जान दो, 8 तारीख पास एक भी पा जा दो। तो यो भी ध्यान करने की बात है, ये सरेआम जो धमकियां दे रहा है कि 8 तारीख पास तो आप इन लुहारू को छोड़ना पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा। स्टेज के माध्यम से ऐसे ऐसे अहंकारी नेता शायद इस देश और प्रदेश में पहली बार देखे होंगे। शायद 10 दिन पहले की आपने जो भाषा सुनी होगी कि भाई अगर गलती से बना भी दी तो हमारे दिल्ली वाले उसको 6 महीने में गिरा देंगे। चाहे वो बात याद करने की जरूरत है, जब गिगनाऊ गांव में हमारी बहन और बेटियों के बारे में जो भरा बुरा भला जो बोला वो आप लोगों को पता है। किसान की बात आई तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी और मरने थे जैसे शब्द जो लोग बोल रहे थे वो आप लोगों को पता है। तो इतना मैं कहता हूँ, इतना अहंकार और पूरे देश में जो डर का जो माहौल आज है, चाहे वो सरकारी जो एजेंसियां ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से आज पूरे प्रदेश के डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। साथियों, प्रजातंत्र में सबका अधिकार वोट का होता है, जिसका जहां दिल करे वहां डाले, लेकिन इतना दबाव की राजनीति मैं पहली बार देख रहा हूं। सरेआम कोई भी आदमी आज मेरे ख्याल से ऐसी धमकी नहीं दे सकता कि भी 8 तारीख के बाद मैं सब देख लूंगा जो एक पा जाए, तो इसका मतलब तो हल्का लुहारू है, खाली करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी जो भाषाएं बोलते हैं वो वीडियो जरूर देखना एक बार, आपको समझने की जरूरत है कि इतना जो अहंकार, ये अहंकार कौन तोड़ सकता है साथियों? राजवीर फटिया नहीं तोड़ सकता, ये 36 भाई का भाई बिरादरी के भाई तोड़ सकता है।